खो खो ताली, खो खो, चलिए पास हो गया संदेह के लिए। क्या विकास जी, जो कहा वही पास। मैंने तो कहा था सुजीत भैया, इतना बड़ा आयोजन होता है, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस क्षेत्र में क्या उत्तरी नगर निगम में विपक्ष का नेता भी है, तो एक सम्मान जनक राशि। इन्होंने मेरे को कहा कि विकास तुम मेरे घर से आके पैसे ले जाना। मैंने कहा आप रामदयाल महतो जी को बता दीजिए, ताकि जनता के बीच में है और एक सम्मानजनक राशि होना चाहिए था। तो मैं अगर उम्मीद करता हूं कि अगर इससे भी ज्यादा अगर कुछ हो सकता है सुजीत भैया, तो निश्चित रूप से आपको इस सेवा संस्था को सेवा देना चाहिए। और मैं आपसे नहीं कुछ ज्यादा करूंगा, बड़े भाई हैं आप हमारे। दोनों आदमी का तालमेल है, सुरजीत जी बोला विकास जी देगा, आप कह रहे हो बढ़ा दो, दोनों आदमी का तालमेल है। इतना एक पार्टी, क्योंकि मैंने अभी आईजे गेस्ट बुलाया, इसलिए मैं जबरदस्ती कर नहीं सकता। आप पार्टी किराड़ी विधानसभा के उपाध्यक्ष हो, ये आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, आपके अधिकार बनते हैं, कुछ घोषणा तो करो। मैं निश्चित रूप से मैं आपके साथ में हूँ और बड़े बड़े भाई हैं, निगम पार्षद भी हैं। निश्चित रूप से मैं पार्टी का, आम आदमी पार्टी किराड़ी विधानसभा का प्राधिकारी उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सुजीत भैया से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से थोड़ा सा राशि, एक सम्मानजनक राशि के रूप में आप जरूर संस्था को सहयोग करें और इस राशि को बढ़ा दें। देखिए मंच में राशि कोई विशेष नहीं, मेहता जी सुनिए, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि आज इस मंच पर इस जनता के आशीर्वाद से, मेरे बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद से आज मैं निगम पार्षद बना, नेता विपक्ष बना। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा मेरी तरफ से यह है कि अगर आज रामदेव महतो जी मुझे उस कोने में भी खड़ा करेंगे, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले मैं माता की आशीर्वाद लेने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए मैं आज भी खड़ा होने को तैयार हूं। मैं तो मैं चलिए, मैं आप सबकी बात रखता हूँ। 31,000 रुपए का राशि सुजीत भैया इस संस्था को देंगे। सुजीत भैया मेरा आग्रह है कि आप 31,000 रुपए संस्था को दें। हमारे बीच में पढ़ना भाई भी आ गए हैं, आपका भी अभिनंदन। शुक्रिया सुजीत भैया, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जरूर मानेंगे हमारी बात। धन्यवाद। और मंच पे सभी लोगों को प्रणाम नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही साथ जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पुलिस के अधिकारी, जो भी बंधु आज इस कार्य को लगे हुए हैं, जनता को संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं उनके साथ, कोई भी साथीगण अगर कभी पुलिस की किसी चीज को मदद हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हो। अगर कोई व्यवधान पैदा होता है तो हम उस व्यवधान में उसको संभालने के लिए हम पुलिस का साथ दें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी, हम आज दशहरा मेला का आयोजन देखने के लिए आए हैं, लेकिन अपने बच्चे परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनका साथ दें। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, पूरे थाना प्रेमनगर का, और साथ ही साथ अपने सभी बंधुओं का धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, जोरदार बोलेंगे जगत जननी जगत माता माँ अंबिके की, बोल भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, रामदयाल महतो जी की। जब आप सबके जाए तो मेरा जाए तो वैसे ही हो गया। देखिए हमारे बीच एक कार्यकर्ता और आ गए। हाँ देखिए सभी अतिथि, आप इस कोने में देखिए, ऐसे बना रखा हूँ ये, जैसे हाँ 180 फुट का मंच है, आप लोग बैठे। देखिए सीनियर जूनियर को आप लोग ख्याल करेंगे, कार्यकर्ता भी बैठे हैं मंच पर। हाँ हाँ सारे कार्यकर्ता यहाँ जाम न करें, क्योंकि नीचे में और अतिथि आने वाले हैं, आप लोग इधर जाएं, और जो सीनियर जूनियर है थोड़ा ख्याल करेंगे, सभी लोग इधर जाएं, यहाँ के स्थान को खाली करें। अब हम एपीजेएस गुप्ता कहाँ गया, जिसको मैं क्या कहूँ, वो 100 नंबर कहूँ, 102 नंबर कहूँ, और कौन कौन चीज कहूँ, ऐसे व्यक्ति कहा महतो जी, मैं भी ज्वाला जी से जो ज्योति रथ आया था, उस रथ का पूरा खर्चा मेरे तरफ से, जबकि एक मजदूर ठोको ताली। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे ही समाज के लोग के सहयोग से कार्यक्रम होता, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बार श्री राम जी का बोली एक बार अपनी झलक दिखा देगा, क्योंकि लंका पर विजय होने वाला है, रावण को अंत होने वाला है। एक दिन हमारे क्षेत्र में जितना रावण है, वो आज समझ लेना
जिस प्रकार ये रावण कुंभकर्ण में एक नाथ की वध होता है, जो भी व्यक्ति पापी इस धरती पर है, भ्रष्टाचारी है, शोषित है, पता नहीं किया क्या है, वो जरूर गौर से देखना। श्री राम इतना बड़ा है, रावण इतना बड़ा है, और कैसे पाप पर सच का विजय होता है, तो राम का एक बार झांकी आएंगे और जाएंगे। फिर बहन उर्मिला चौधरी जी, फिर हमारे गुरु मास्टर आजाद जी हम सब लोग के संबोधित करेंगे। जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर की। जो पराभव से प्राण विसर्जन से भयभीत हो वो भी लौट जाए, हमारी ओर से आज्ञा है। लंका के बाकी शूरवीरों, अब युद्ध आज्ञा और आदेश का नहीं उत्सर्ग का है, जो उत्सर्ग के लिए तैयार हो वही हमारे साथ आए। कार्य के लिए न भूताओ आपने भविष्य इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है कि शंकर के मुस्ता पंडित मुस्ता योद्धा शंकर के लंकापति रावण की जय। Ha 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 ha
यहाँ गिनती ही क्या उनकी, विजिंकर नाम लेता है। शंकर भी अगर मदद करे तो शंकर का ही साक्ष है, जब मैं उसका संखारूंगा, चंद्र प्रभु का फैरी है। इंसान चिंता दानम ज्ञानम न शीलम न क्रोध धर्मा हे मृत्यु लोके भूमि है भूता है। छोड़ तपस्वी मेरा मेरा क्या करता है, कुछ न कर पाएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। परूसी जी, हमारी जी, सभी चले